रेड पम्पकिन बीटल, साइंटिफिक नेम ओलेकोफोरा फेवियो कॉलिस। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये कोई अडल्ट रेड पम्पकिन बीटल होता है। तो इसकी जो ऊपर के साइड यानी कि डोर्सल साइड पे ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, जबकि वेंट्रल साइड पे ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद यहाँ पर एब्डोमेन जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, व्हाइट कलर के हेयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 5 to 8 mm इसकी लेंथ होती है, यानी कि 0.5 cm से लेके 1 cm तक इसकी लेंथ होती है, एंड 4 mm ये वाइड होता है। और जितने भी सिलोपिटेरा के हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है दैट इज सिलोपिटेरा, एंड जो इसकी फैमिली है दैट इज क्राइसोमेलिडिया। क्राइसोमेलिडिया से हटा बीटल भी बिलोंग करता है, जिसको हम लीफ बीटल्स बोलते हैं, इस फैमिली के जो बीटल्स होते हैं। और इनका जो माउथ होता है वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का होते हैं, और जो इनके टार्साइस होते हैं वो 4 सेगमेंटेड होते हैं। उसके बाद आती है कि इसके बारे में, और कि पहले तो आती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है काफी ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में ये मिलता है, जैसे एशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ यूरोप हो गया, एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद आते हैं होस्ट प्लांट। तो ये काफी ज्यादा मेन डैमेज कॉज करता है टू द क्यूकरपीटा फैमिली से जो बिलोंग करती है वेजिटेबल, क्योंकि ये वेजिटेबल का पेस्ट है। और इस फैमिली के अंदर आ जाते हैं घिया, तोरी, पम्पकिन हो गया, टिंडा हो गया, तो ये सब इनसे बिलोंग करते हैं। और ये सब सब्जियां कब उगाई जाती हैं, अप्रैल मई ये यानी कि समर्स के अंदर। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मार्च टू या अप्रैल टू अक्टूबर तक रहती है, और उसके बाद नवंबर टू फेबररी ये जो भी ग्रासेस वगैरह होती हैं, जो वीड्स वगैरह होती हैं उनके अंदर ये हाइबरनेशन करते हैं। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और इनकी फाइव जो होती है 5 जनरेशंस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक साल जो इनका एक जो ब्रीडिंग पीरियड होता है यानी मार्च टू अक्टूबर, इनकी 5 जनरेशंस हो जाती हैं। उसके बाद आती है कि होस्ट प्लांट्स हो चुके हैं, कि क्यूकरबिटा फैमिली की जो वेजिटेबल्स हैं उनको वो एज अ होस्ट काम करती हैं। और अब आती है हैबिट्स की, मेन डैमेज जो होगा वो कॉज किया जाता है अप्रैल टू मई। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये मेनली अगर हम पम्पकिन वगैरह की बात करें तो वो क्रीपर्स होते हैं, और इस दौरान जब अप्रैल मई के अंदर उनको उगाया जाता है तो वो किस स्टेज में होती हैं, क्योंकि एक तो क्रीपर्स काफी ज्यादा यंग होते हैं, और अगर वो कोई स्मॉल हब भी या श्रब भी टाइप है तो भी वो क्या करते हैं कि काफी प्लांट रिलेट के फॉर्म में होते हैं, काफी छोटे प्लांट्स होते हैं। तो इनके लिए उनको डिस्ट्रक्ट करना या डिस्ट्रक्टिव जो इनका बीटल्स होते हैं उस टाइम पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है 26 to 37 days, यानी कि 1 month के अंदर या 1 month 1 week के अंदर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एंड इनकी 5 जनरेशंस जो होती हैं वो ओवरलैपिंग जनरेशंस हमें मिलती है फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। उसके बाद आती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल अगर हम मेन मेन चीज देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर ये बिलोंग करते हैं टू द सिलोपिटेरा तो इनके अंदर वही 4 चीजें होंगी कि ग्रब प्रेजेंट होगा, अडल्ट होगा, एग्स होगा, एग होगा, और उससे फिर वो प्यूपा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली अगर हम देखें तो क्या होता है कि सबसे पहले जो फीमेल होती है वो नियर द रूट अपने एग्स को ले डाउन करते हैं। एग्स को या तो सिंगली ले डाउन किया जाता है या फिर उनको ले डाउन किया जाता है इन द क्लस्टर्स के अंदर। उसके बाद एग से ग्रब निकलता है। ग्रब जो होता है या तो वो नीचे जो ग्राउंड पे लीव्स वगैरह गिर जाती हैं उनके ऊपर फीड करता है, या फिर वो किसके ऊपर फीड करता है, जो नीचे लीव्स गिर जाती है या जो रूट्स होती हैं, या फिर अंडरग्राउंड स्टेम अगर प्रेजेंट होती हैं, या ऐसे फ्रूट्स जो जमीन के पास होते हैं तो वो उनके अंदर बोर कर जाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने फीड करते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है ये। उसके बाद वो प्यूपेशन अंडरगो करते हैं। वो कैसे, अर्थन चैम्बर 1 cm जो होते हैं अर्थ के अंदर, यानी कि काफी थोड़े से सॉइल के अंदर वो क्या करते हैं, अर्थन चैम्बर्स के अंदर प्यूपेशन अंडरगो करते हैं। प्यूपा होने के बाद वो क्या करते हैं, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और 1 हफ्ते के बाद ही जो अडल्ट होते हैं वो अपनी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी फीड करते हैं या तो फ्रूट्स के ऊपर हो गए या
लीव्स हो गई, फॉयलेज हम जिसको बोलते हैं, या फिर जो फ्लावर फ्लोरल बर्ड्स होते हैं उन सब के ऊपर वो फीड करते हैं. तो लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 25 to 40 days और 5 ओवरलैपिंग जनरेशन फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर. एग जो होते हैं द फीमेल ले एग एदर इन क्लस्टर्स और सिंगली नियर द रूट्स की, या तो क्लस्टर के अंदर या रूट्स के अंदर, क्लस्टर या सिंगली वो क्या करती हैं, एग्स को ले डाउन करती हैं नियर द बेस ऑफ द प्लांट दैट इज नियर द रूट्स. उसके बाद आता है कि एक फीमेल जो होती है वो 60 to 300 eggs यानी कि 300 egg जो होती है वो क्या करती है, लेट डाउन कर सकती है. एक सिंगल फीमेल जो होती है लेट डाउन करती है. उसके बाद आता है कि 6 to 15 days के इंक्यूबेशन के बाद जो एग्स होते हैं वो हैच करते हैं इनटू द ग्रब, और जो ग्रब होते हैं येलो कलर के होते हैं, क्रीमी होते हैं, और ग्रब क्या करते हैं, जो भी रूट्स होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं फ्रूट वगैरह के ऊपर वो फीड करते हैं, फॉलन लीव्स के ऊपर वो फीड करते हैं. उसके बाद आता है कि ग्रब जो होते हैं 4 molts अंडरगो करते हैं, एंड इन नेक्स्ट 12 to 25 days वो क्या करते हैं, कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं, फुल ग्रोन इन 13 to 25 days. और उसके बाद वो क्या करते हैं कि अर्थन्ड चैम्बर्स होते हैं उसके अंदर वो प्यूपेशन अंडरगो करते हैं. जो अर्थन चैम्बर होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं एंड वैसे वो स्मूथ होते हैं इन द सॉइल एट द डेप्थ ऑफ 1 centimeter, और प्यूपा जो होता है वो 7.5 mm उसकी लेंथ होती है. उसके बाद आता है कि पेल व्हाइट कलर का ही वो होता है, यानी ग्रब भी येलोइश कलर का था और ये भी कैसा, पेल येलो. एक तरीके से इनका कलर इस तरीके से भी याद रख सकते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या सॉइल की सरफेस पे जब वो होते हैं तो इजिली वो दिखाई ना दे, तो इसलिए. उसके बाद आता है कि प्यूपा जो होता है 7 to 17 days या 1 week to 2 जो होता है 2 weeks के अंदर जो होता है प्यूपा स्टेज जो होती है वो रहती है. उसके बाद अडल्ट एमर्ज करते हैं, अडल्ट फीड करते हैं एंड 1 हफ्ते के बाद ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं आफ्टर एमरजेंस की, जब वो निकल के आते हैं उसके 1 हफ्ते के बाद वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं. तो ये कहते हैं कि अगर हम इसके डैमेज की बात करते हैं तो अडल्ट बीटल्स एंड जो ग्रब है वो क्या करता है, डैमेज कॉज करता है. ये कहता है अडल्ट जो है वो किसके ऊपर फीड करता है, फॉयलेज के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर एंड फ्लावर्स के ऊपर वो फीड करता है. और जो ग्रब होता है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं कि रूट्स के अंडरग्राउंड स्टेम्स के ऊपर या जो फ्रूट टच करते हैं उनके अंदर वो बोर कर जाता है. मैक्सिमम डैमेज सीडलिंग्स को कॉज किया जाता है. उसके बाद आता है कंट्रोल. कंट्रोल के अंदर आता है कि डीप प्लफिंग करनी चाहिए ताकि ग्रब जो सॉइल के अंदर है या फिर वो अगर प्यूपा स्टेज के अंदर भी है तो प्लफिंग, जैसे हम नोलाना बोलते हैं, तो अब क्या करनी चाहिए, काफी डीप प्लफिंग हमें करनी चाहिए. अर्ली वेराइटीज ऑफ दीज वेजिटेबल शुड बी सोन, ठीक है. यंगर प्लांट शुड बी डस्टेड बाय एश, की एक एश वगैरह से जो यंगर प्लांट्स है हम डस्ट कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं कि बीटल्स को हम नेट्स से पकड़ सकते हैं और उनको किल कर सकते हैं, मैनुअली ये काम हम कर सकते हैं. और उसके अलावा हम बहुत सारे तरीके के जो केमिकल्स होते हैं वो भी यूज, उनका भी स्प्रे कर सकते हैं.